नमस्कार साथियों, एक लेटेस्ट अपडेट आपके सामने है। देखिए, पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान ग्रामवासियों के लिए एक खेलों का महाकुंभ आयोजित करने जा रहा है, जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं इस महाकुंभ को जो खेल नाम दिया जाएगा, या इस ओलंपिक खेल को नाम दिया जाएगा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। ठीक है, 2022 के अंदर ये आयोजित होगा। डेट मैं आपको बता दूं, 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक ये कार्यक्रम, या ये मैं कहूँ ओलंपिक खेल आयोजित होगा। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं इस ओलंपिक खेल में कौन कौन से खेलों को शामिल किया जाएगा। इस ओलंपिक खेल में कौन कौन से खेलों को शामिल किया जाएगा, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और हॉकी, इन खेलों को इस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। इसमें 30 लाख लोग भागीदारी लेंगे, यानी हिस्सा लेंगे, और बच्चे, बूढ़े, जवान, यानी सभी आयु वर्ग के लोग इसके अंदर अपना हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर कौन कौन से पुरस्कार आपके सामने रखे गए हैं, खेलों में बढ़ते राजस्थान के कदम। ठीक है, तो आप सभी सात लोग इनके बारे में देख लेंगे एक बार पुरस्कार। तो पुरस्कार किस किस प्रकार से है एक बार मैं बता दूं आपको, पढ़ के देखो। सबसे पहली बात, राजस्थान में प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आपके सामने रखा गया है। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड में पुरस्कार राशि जो है बढ़ा करके कितने रुपए कर दी गई है, 5-5 लाख रुपए की राशि आपके सामने इसमें कर दी गई है। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राजकीय सेवाओं में नियुक्ति। गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए आपको 5-5 साल जॉब तैयारी करनी पड़ती है, और आप केवल खेल के अंदर अपना प्रदर्शन दिखा करके राजकीय सेवा में नियुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप तैयारी करो और खेल से रिलेटेड हो, तो देखो खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण का भी प्रावधान आपके लिए रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका जो लेटेस्ट अपडेट था, तो इसको आप जो थोड़ा सा देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप एग्जामपुर राजस्थान क्लासेस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।